नमस्कार कविता आप तक कड़ी में आज मेरी कुछ कविताएं। मित्रों, ये कविताएं मेरे पहले काव्य संग्रह नदी के पार नदी से ली गई हैं। ये सभी कविताएं नदी पर हैं और नदी यहाँ स्त्री है। यह संग्रह कुल 3 खंडों में बांटा गया था और ये कविताएं इस संकलन के 3रे खंड नदी इतना खामोश क्यों बहती है से ली गई हैं। कविता संख्या 35। वह आएगा नदी के तट पर और मुखातिब नहीं होगी नदी उसकी तरफ। वह आएगा नदी के तट पर और मुखातिब नहीं होगी नदी उसकी तरफ। हवाला नहीं देगा वह ताजा नम स्मृतियों का। हवाला नहीं देगा वह ताजा नम स्मृतियों का और रुक कर कुछ देर भटक कर इधर उधर चला जाएगा वह। किसी अंधेरे में कोई मोड़ मोड़ता पराजित थका मांदा। नदी तब घुटनों में सिर दिए अपना रोएगी निःशब्द और वह घिसटता। नदी का रुदन राग सुनता संभाल सकेगा अपने लड़खड़ाते कदमों को। किसी तरह गीले इतिहास के तपते अनंत बालुका पथ पर। अगली कविता 36। किन्हीं एक जोड़ी ज्योति सीपियों में मेरा प्रतिबिंब होगा संपूर्ण मेरा सिर्फ मेरा प्रतिबिंब। किन्हीं एक जोड़ी ज्योति सीपियों में मेरा प्रतिबिंब होगा संपूर्ण मेरा सिर्फ मेरा प्रतिबिंब। ढूंढने के लिए उस नेत्र युग्म को मैं जाने कितनी नदियों को मथ चुका हूँ डूब चुका हूँ कितनी नदियों में अब तक। अगली कविता 37। नदी अलसाई पड़ी थी रेत पर। नदी अलसाई पड़ी थी रेत पर मैं उसके पास गया वह उठकर बैठी नहीं बस थोड़ा सरक कर जगह बनाई मेरे बैठने भर। नदी अलसाई पड़ी थी रेत पर मैं उसके पास गया वह उठकर बैठी नहीं बस थोड़ा सरक कर जगह बनाई मेरे बैठने भर। सदियां गुजर गई बैठे हुए इस मुद्रा में। नदी का आलस्य बड़ा है या मेरा ही धैर्य कुछ अधिक है। अगली कविता क्रम संख्या 38। नदी ने अपने ऊपर एक पुल बना लिया था। नदी ने अपने ऊपर एक पुल बना लिया था लोग उस पर से गुजरते और वह उनकी परछाइयां खुद में लेकर उन्हें गिनकर बहला लेती मन अपना। वह एक नदी थी मगर उसे अपने जल से छेड़छाड़ मंजूर नहीं था कतई। वह शुष्क तो नहीं मगर एक शोक नदी थी। अपनी शर्तों पर नदी चाहती थी दूसरों का प्यार। उसे अपनी संपदा के आकर्षण पर अटूट भरोसा था।
एक एक कर लोगों ने उस पुल से गुजरना बंद कर दिया। नदी बहुत बाद में समझी अपने अभिमान के खालीपन को, प्रेम के भ्रम को, अनंत मृग तृष्णा में सोखती कोमलता को और अनछुए धरोहर के छीजते सत्य को। नदी सूख चुकी थी और पुल वीरान था, किसी आवाजाही से निष्पन्द। अगली कविता है 39, क्रम संख्या 39। मैं कोई जटाधारी नहीं, फिर एक गहरी लंबी नदी को कैद करने की यह कैसी अमर्यादित वैतालिक असंभव चाह है। अगली कविता क्रम संख्या 40। एक दृष्टि भ्रम हृदय व्याधि और आत्मविस्मृति है नदी। एक दृष्टि भ्रम हृदय व्याधि और आत्मविस्मृति है नदी। नदी मगर एक दिशा सूचक लेपन औषधि और सजग इतिहास भी तो है। अगली कविता क्रम संख्या 41। नदी एक देह है कोई खिलौना नहीं, नदी एक देह है कोई खिलौना नहीं, नदी एक रहस्य है कोई काला जादू नहीं। नदी एक देह है कोई खिलौना नहीं, नदी एक रहस्य है कोई काला जादू नहीं। नदी एक विरासत है कोई संपत्ति नहीं, नदी एक प्रेरणा है कोई शर्त नहीं। नदी एक आकर्षण है कोई कौतुक नहीं, नदी एक विस्तार है कोई बंधन नहीं, नदी एक स्त्री है कोई मादा नहीं। अगली कविता है क्रम संख्या 42। रत्नगर्भा नदी के मंथन से निकलता है विश्व। रत्नगर्भा नदी के मंथन से निकलता है विश्व ही। नदी को गहरे जीने अपनाने के लिए जरूरी है नीलकंठ होना भी। अगली कविता है क्रम संख्या 43। लिखी जा सकती है एक अनंत काव्य श्रृंखला नदी पर। लिखी जा सकती है एक अनंत काव्य श्रृंखला नदी पर, अगर अनंत समय हो कवि के पास, अनंत ऊर्जा हो स्वतः स्फूर्त जीवन में और अनंत साथ हो नदी का शब्द से। नदी पर तब लिखी जा सकती है एक अनंत काव्य श्रृंखला कभी भी किसी के हाथ। अगली कविता है क्रम संख्या 44। मेरी उम्र है नदी मेरा चरम है, मेरी उम्र है नदी मेरा चरम है, मेरी स्मृति है नदी मेरा दायरा है, मेरी जीवन रेखा है नदी मेरा पथ है, मैं हूं क्योंकि नदी है। अगली कविता क्रम संख्या 45। बस में सहेली से बतियाती चहकती लड़की की धुली पीठ हंस रही थी। बस में सहेली से बतियाती चहकती लड़की की धुली पीठ हंस रही थी और झीने कपड़े से बाहर आती उसकी रीढ़ चिहुक रही थी। संगत देती हुई चमकते दांतों की भरपूर हुलस्ती नदी की आभा सारी एकत्रित हो गई थी। ग्रीवा से कटी तक जाती उस पतली पगडंडी पर मैं गणित लगा रहा था, उसके चेहरे पर अभी निर्दोषता और खिलखिलाहट के कितने कितने प्रतिशत होंगे। किसी कोण किसी दिशा से देखो पूरी दिखती है नदी। किसी कोण किसी दिशा से देखो पूरी दिखती है।